हरी बोला हरे कृष्णा और थोड़ी देर में थोड़ी सी देर आता है करें ओ माय ज्ञान तिमिराम दस्य ज्ञानाय ज्ञान सलाकया चक्षुरुन्मीलितं मुज्जयन् तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै यस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः राधा करावचित बल्लभ बल्लरीके राधा पदांक विलस मधुरस्तलीके राधांग जस मुख मुखांगांग बलीके राधा विहार विपिनी रमतांग मनो में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादी गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये स्थान का नाम मान सरोवर है। क्या नाम है? मान सरोवर है। यदि ये जो मान है ये एक प्रेम विशेष है, इसलिए साधारण जगत में भी स्त्रियां मान करती हैं, लेकिन साधारण जगत का जो मान है वो कभी कभी क्रोध में भी परिणत हो जाता है। जैसे किसी कारण से पत्नी ने मान कर ली, अगर पति टाइम के अनुरूप अगर पत्नी को नहीं मनाए ना, फिर क्या होता है? फिर वो मान धीरे धीरे क्रोध में परिणत होता है। कभी कभी इतना क्रोध में परिणत हो जाता है, कभी वो मान मृत्यु का भी कारण बन जाती है। कहते ना, इसी जगत का जो प्रेम है पहले स्टार्ट होता है आई लव यू, फिर कुछ दिन बाद आता है आई लीव यू, फिर कुछ दिन बाद में आता है आई किल यू, फिर कोर्ट में जाकर के चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये जो मान है ये दिव्य मान है, ये मान कोई साधारण मान नहीं है। इसलिए जो मान है कि जब धीरे 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 श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति रुचि निष्ठा आसक्ति भाव और प्रेम, जब ये प्रेम गाढ़ता को प्राप्त करता है, फिर धीरे धीरे स्नेह, फिर धीरे धीरे मान, फिर प्रणय, फिर राग अनुराग भाव, फिर जाकर के महाभाव, और वो महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुर। इसलिए ये मान एक दिव्य मान है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते श्री उज्जल निर्मणि ग्रंथ में बड़ा सुंदर इसकी व्याख्या करते हैं। कहते भैया इसका मान कहते हैं इसको, तब उसका मान का वो डेफिनेशन देते हैं। मान कहते उससे अंदर में तो इच्छा है मिलन करने का, आलिंगन करने का, विहार करने का अंदर में तो इच्छा है, लेकिन ऐसे कुछ कारण आकर के उपस्थित हो गया जो कारण ये दोनों को मिलने नहीं दे रहा, इसलिए इसको कहते हैं मान। यदि जो मान है, यदि ये मान दो तरह का है, यदि एक है अहेतुकी और एक है सहेतुकी। यदि अहेतुकी मतलब क्या? बोले बिना कारण भी कभी कभी मान हो जाता है। बोले बिना कारण में राधारण क्यों मान करती? कारण क्या है? यदि जो मान है ये एक रस विशेष है। देखना ये अपराकृत जगत का, ये अपराकृत जगत का ये जो छाया है ये जगत है, वहां पर सब कुछ जो है लेकिन उसका छाया ये है, लेकिन वहां तो सबके सब विशुद्ध रूप में है, वहां पर विशुद्ध रूप में, लेकिन यहाँ विकृत रूप में इसी जगत में। इसी जगत में देखना अगर पति पत्नी में किसी कारण से मान हो गया, अगर 8-10 दिन तक अंदर में बात ही नहीं हुई है,
देखना उसको बाद में जो घर जब बात करते हैं ना उसमें एक नया रस आता है, उसमें एक नया रस आती है। क्यों? इतना दिन तक, इसलिए बोले तथा विप्र लंबे ना संभोग पुष्टि मसनते। जब तक ये विरह नहीं हो तब तक मिलन रस का आनंद नहीं आता है। इसलिए कहते ये राधा रानी कभी कभी बिना कारण से मान कर लेती है। बोले बिना कारण से क्यों मान करती है? कहते जो मान है कहते ये प्रेम को देने वाले। और राधा रानी को उदाहरण दिया एक स्वस्थ दर्पण है। हाँ, ये कृष्ण के मन में जो जो इच्छा है वो स्वतः ये राधा जी के अंदर में अपनी आप प्रतिबिंब रूप में अपनी आप प्रतिफलित होता है। जब राधा रानी समझती है कृष्ण अभी मैं अगर मान करूँ ना अभी कृष्ण खुशी होगी, तब राधा रानी अपने आप मान कर बैठी है। इसलिए कहती है अहेतु की, लेकिन ये बताइए कि सहेतु की मान है, कारण को लेकर के मान होता है। कहते जो कारण को लेकर के मान होता है वो तीन तरह का है। कहते एक दृष्टवा, एक देख करके, और एक है अनुमान करके, और एक है सुन करके। कहते ये तीन तरह का मान होता है। कहते दृष्टवा, दृष्टवा मान कैसे होता है तो उसको वर्णन किया। जैसे एक समय राधा रानी एक सुंदर फूलों की माला बनाया, जो कि बिना सूता के बिना धागा के एक सुंदर माला बनाई। माला बना करके श्री श्याम सुंदर गला में उन्होंने पहना है। अभी श्याम सुंदर ने देखा अभी अगर गले में माला रहेगा तो फिर राधा रानी से मिलने के लिए ये माला ये बीच में एक प्रतिबंध है। इसलिए श्री श्याम सुंदर माला को उतार करके उन्होंने किसी पेड़ के ऊपर में लटका देते हैं। जब लटका देते हैं इतने में एक तोता अभी श्री श्याम सुंदर का प्रसाद माला देख करके वो तोता वो माला को लिया और वो उड़ते हुए जा रहा था। इतने में चंद्रावली सखी ने देखा, अरे ये तो श्याम सुंदर का ये प्रसाद माला ये तोते को पास में कैसे आया। इतने में श्री चंद्रावली उसको अनार का लोभ दिखाते, बोले तोता इधर आ जा तेरे को हम अनार खिलाएंगे। और अनार का लोभ दिखा करके उससे वो फूल की माला को चंद्रावली ले लेती है। लेकर क्या करती है? अपना चोटी में सुंदर करके अपना चोटी को श्रृंगार कर देती है, अपना केश को श्रृंगार कर देती है। थोड़ी देरी बाद में फिर श्री ललिता देखती है, कहते अरे ये माला तो राधा रानी ने बना करके श्याम सुंदर को पहनाया, लेकिन ये फिर माला ये चंद्रावली के पास में कहीं चली गई। इतने बोले देखो राधे ये माला तुमने बनाया, कितना प्रेम से बनाया, लेकिन देखो ये माला कहाँ चले गई चंद्रावली के पास में। इसलिए देखो श्याम सुंदर को तो प्रेम करना आता ही नहीं, बस इतने में राधा रानी मान कर लेती है। इसलिए कहती है चीज को देख करके है, कभी रासलीला करते करते कभी श्री श्याम सुंदर चंद्रावली को कभी कंधे पर हाथ रख लेते हैं। कहते इसी कारण भी कभी कभी राधा रानी मान कर लेती है, कभी कभी इसी कारण से मान कर लेती है। इसको कहते दृष्टवा, कहते देख करके। और कुछ मान है कहते अनुमान करके। कहते अनुमान करके जैसे राधा रानी सुंदर उन्होंने कुंज बनाया, श्याम सुंदर बोले इसी समय में हम आकर दोनों मिलेंगे। अभी राधा रानी कुंज बनाया सखियों के साथ में, लेकिन जो निर्दिष्ट समय में जब श्याम सुंदर नहीं आते हैं, अभी राधा रानी कहते क्या कारण है, क्या हो सकता है, हो ना हो बीच में कहीं कृष्ण अपहरण तो नहीं हो गई उनको, दूसरे सखी चंद्रावली सखियों ने उनको तो और कहीं नहीं ले गई। ये अनुमान से कभी कभी राधा रानी मान कर लेती है, कभी कभी श्रुत्वा, कभी कभी वो सुन करके भी मान कर लेती है। बोले सुन करके कैसे? जब श्री श्याम सुंदर गैया चराने के लिए सखाओं को साथ में आते हैं, बोले कहाँ पर? कहती है कुसुम सरोवर में आते या यहाँ पर गैया चराने के लिए। इतने में श्री राधा रानी अपना हाथों में बड़ी सुंदर एक फूलों की माला जो बनाई हुई फूल की माला और दो उनने चंपक पुष्प और राधा रानी सुंदर पान की पिड़िया बना करके वृंदा को हाथ में भेज देती है कुसुम सरोवर में और दे देती है श्री श्याम सुंदर को। जब राधा रानी के हाथ की पान की पिड़िया श्याम सुंदर खाते हैं और जो चंपक पुष्प का जो रंग है वो राधा रानी का रंग को साथ में बराबर है। हाँ, चंपक पुष्प राधा रानी का कलर पुष्प का रंग एक ही है। जब श्याम सुंदर चंपक पुष्प को दर्शन करते हैं अभी राधा रानी की उनको उद्दीपना होता है और राधा रानी के द्वारा बनाया हुआ जो माला है जब श्याम सुंदर गले में पहनते हैं अभी राधा रानी से मिलने के लिए उनका अंदर में उत्कंठा जगती है। कब श्री किशोर जी से मैं मिलन करूं? इतने में कृष्ण बहाना बनाते हैं, कहते मैं जा रहा हूं किसी
उत्सव में और किसी सखाओं से मिलने के लिए, वहीं पर बहाना बना करके कृष्ण आते हैं किससे, राधा रानी से मिलने के लिए। इतने में कहते चंद्रावली का जो सखी वो पद्मा वो देखती रहती है श्याम सुंदर पे कहीं आए। अभी इधर चंद्रावली भी कुंज बना करके बैठी हुई और उधर श्री राधा रानी भी कुंज बना करके बैठी हुई, दोनों कुंज बना कर बैठे हुए। अभी पद्मा ढूंढ रही है कृष्ण गए तो गए का जरूर यही पर कहीं है। इतने में जब कृष्ण आते रहते हैं बीच में ये पद्मा मिलती है, बोले श्याम सुंदर चलो मेरी सखी कुंज बना कर बैठे हुए। लेकिन अभी श्याम सुंदर तो राधा रानी से मिलने के लिए आ रही है, हैं? क्योंकि राधा जी का प्रेम इसलिए बताया एक घृत स्नेह और एक है मधु स्नेह। स्नेह दो तरह का है इसलिए कहते घृत स्नेह मधु स्नेह। मतलब क्या घृत स्नेह? मतलब होता है कि घी, आप घी को वैसे नहीं खा सकते हो, उसमें बुरा मिलाओ, नहीं तो किसी सब्जी में डालो तभी जाकर आप घी खा सकते हो। लेकिन जो मधु स्नेह है, जो मधु है, उसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं। आप मधु को वैसे खा सकते हो, इसमें मिला करके खा सकते हो, किसी में भी मिला करके। इसलिए चंद्रावली का जो स्नेह है कहते ये मधु स्नेह है, ये घृत स्नेह है। लेकिन जो मधु स्नेह है और राधा रानी का जो स्नेह श्याम सुंदर का प्रति, ये मधु स्नेह है। इसलिए राधा रानी का जो प्रेम वो सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। अभी श्याम सुंदर बहाना बनाते बोले देखो आज मेरे कहीं निमंत्रण जरूर जाना है। इतने में चंद्रावली आ जाती है, बोले हमें सब कुछ पता तुम कहाँ जाना चाह रहे हो। इतने में चंद्रावली जोर जबरदस्ती इनको पकड़ करके अपना कुंज में ले जाती है। इतने में राधा रानी तो यहाँ कुंज बनाकर बैठी हुई। इतने में एक राधा रानी की एक सूग है, वहां पर तो बताए पांच तरह का सूग बताए। एक है विचक्षण सूग है, एक है मंजीवासी सूग है, एक है सुभा है और एक है सुखमदी। ऐसे करके वहां पर पांच तरह का सूग बताए। कहते ये तोता ये आकाश मार्ग में ये उड़ता रहता है, तोता देखता है कृष्ण कहाँ जा रहे हैं, किसका गतिविधि क्या है, और वही उनको सारे खबर वही सुख देती रहती है, हैं? अभी ये सुख ने देखा श्याम सुंदर तो बीच में ही अपहरण हो गए। इतने में श्री तोता आकर के राधा जी को बोले हे राधे, तुमने जो आज इतने सुंदर कुंज बनवाया, इतने सुंदर तुमने श्रृंगार किया ना, सब बेकार। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले बीच से तो श्याम सुंदर कहीं अपहरण होकर के चले गए। बोले क्यों, कौन ले गए? बोले चंद्रावली। बस राधा रानी तो दुर्जय मान करके है, राधा रानी दुर्जय मान करके बैठी गई। इतने में बोले देखो कोई काले व्यक्ति आए ना उसको अंदर में घुसने मत दिया करना है। इसलिए तुम्हारी जो चोटी है ना काली वो भी फूलों से उसको सफेद कर दो, आका जो भ्रूर है उसको भी चंदन लगा करके सफेद कर दो, है इसको कर दो। अभी श्याम सुंदर चंद्रावली से मिल करके बड़े लेट में आते हैं। इतने में श्री राधा रानी प्रश्न करती है अभी तक क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे, राधा रानी को पता है। इतने में श्याम सुंदर झूठ बोल देते, बोले हे राधे मैं तो आ ही रहा था तेरे साथ में मिलने के लिए, लेकिन मैंने देखा एक तमाल वृक्ष के ऊपर में एक माधवी लता सुंदर रूप में गया हुआ, और वो माधवी लता को देख करके तेरी याद आ गई, और मैंने तमाल वृक्ष को देख कर मेरी याद आई, मैंने तुम और मेरे जैसे मिलन है। इसलिए मैं रास्ता में बेहोश हो गया और होश आया ना जल्दी जल्दी आ रहा। इतने में राधा रानी बोले और झूठ बोलने का कोई जगह नहीं मिला, जब मेरे पास में आप झूठ बता रहे हो, झूठ बोल रहे हो। बल्कि ये बताओ चंद्रावली का जो शरीर का सिंदूर भी कृष्ण का चरण में लगा हुआ, बोले ये सिंदूर कहाँ से? बोले सिंदूर नहीं, मैं जल्दी जल्दी आ रहा था ना, बीच में कांटा चुप गई, वो खून निकल गया है। इसलिए तब श्री राधा रानी कहते हे नील रोहित, नील रोहित रुद्र, इसलिए नील कृष्ण देखने में नील रंग, रोहित मतलब होता है लाल, मतलब कृष्णा का शरीर में चंद्रावली की सिंदूर लगा हुआ, इसलिए हे नील रहित रुद्र, इसलिए ऐसे बोलकर राधा रानी कहती है। इसलिए यही पर श्री श्याम सुंदर को राधा रानी बोलते जहां से आए तुम वहीं चले जाओ, जहां पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं जत की करिसु बहु स खड़ु का सुबाणी नित्यम परस पुरुषस्य शिखंड मौले जस्या कदा रसनीते वृषभानुजाया तत्केलि कुंज भवनांगनि मार्जनि स्याम। प्रबोधानंद यही पर प्रार्थना करते हैं कब मेरे ऐसे सौभाग्य होगा जिस निकुंज में श्री किशोर जी मान करके बैठी हुई और श्याम सुंदर आकर के राधा जी की बात तो छोड़ दो, उनकी मंजरी सखियों को पास में हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते हुए बोले हे राधे सखियां कृपा करके श्री किशोर जी को साथ में हमारी मिलन कराओ, इसलिए प्रार्थना करते हैं। अभी श्याम सुंदर को तो निकाल दिया, अभी क्या करेंगे?
इतने में ललिता को पास में जाती है, है? कहते बताओ अभी क्या करें राधा रानी, तो मान कर ली। लेकिन ये सखियों का क्या काम है, इनका काम है जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती करे लली काली सखीगण। ये सखियों का यही काम है श्री प्रिया प्रियतम को जुगल सरकार को मिलन कैसे कराए। अभी ललिता के पास में गए, बताओ अभी क्या करना, बोले देखो राधा रानी में तुम्हारी विरह में जैसे दुखी तुम भी वैसे दुखी, दोनों दुखी हो, इसलिए एक काम करो तुम ना एक गंधर्वी रूप धारण करो और करके बड़े सुंदर तुम राग को गाओ। इतने में श्याम सुंदर, इतने सुंदर उन्होंने राग रागिणी गाते हैं, जिस राग को सुन करके वृक्ष से मधु झरना शुरू हो जाता है और सारे पत्थर पिघलने लग जाते हैं और सबके सब खाने की हो खाने यहाँ पर कोई डॉक्टर है रामानंद डॉक्टर कोई रामानंद यहाँ पर रामानंद कोई है यहाँ पर कोई डॉक्टर? अरे हमारे जो बंगाली प्रभु कहाँ गए, डॉक्टर साहब ये देखो तो सबाई जावे ना, देखो माए ओखाने एक संगे जड़ होवे ना ओखाने, वहां पर सब मत जाओ, कोई अगर डॉक्टर हो तो वहां पर जाए। हरे कृष्णा, कोई डॉक्टर हो तो जाए, सब मत जाओ, अब पहुंच गए ना अपने बस जान। बंगाली मायरा किसी बोले ना दौड़ा तार मुगरी। हरे कृष्ण एक बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अभी कृष्णा बड़े सुंदर राग रागिणी गाते हैं, इतने सुंदर राग उन्होंने गाए जिस राग को सुन करके सारे हैं कहते तेज बारी मृदाम जथा विनिमय हो जत्र त्रिसर्ग वृषा, सारे पत्थर पिघलने लग गए, पानी जड़ होने लग गया, वृक्ष से मधु झरने लग गए। अभी राधा रानी ये राग को सुन करके उनके हृदय में जो कृष्ण का प्रति मिलन का जो विरह था, अभी धीरे धीरे उनका मन का विरह धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इतने में श्याम सुंदर यहाँ वहां से आते हैं, राधा रानी कहती है देखो तो वो कौन है, बोले स्वर्ग से कोई गंधर्विणी आई है, बोले उसको बुला करके ले आओ, उसकी भजन सुन करके मेरा मन सुशीतल हो गया। अभी श्याम सुंदर को लेकर के आए, बोले तब राधा कृष्ण तो श्यामा शुक्र सखी रूप धारण किए हुए, बोले आप कौन हो, बोले स्वर्ग से मैं एक गंधर्विणी आई हूँ, बोले तेरे को क्या आता है, बोले मैं जिसकी चरण की सेवा करती हूँ उसका मन की सारे व्यथा दूर हो जाता है, जिसको मैं श्रृंगार करती हूँ सारे मन उसको शिशितल हो जाता है। बोले देखो हमारी जो सखी श्री राधा रानी ये भी कृष्ण विरह में बड़ी दुखी है, आप थोड़ी सी इनको चरण दबा दो, इनको थोड़ी सी श्रृंगार कर दो। बस कृष्ण का हाथ स्पर्श होते ही उनकी हृदय का सारे मान खत्म हो गया। इतने में राधा रानी समझ गई भैया जब तक मैं श्याम सुंदर से नहीं मिलूंगी तब तक कहीं मेरी विरह दूर नहीं हो सकता है, लेकिन इनके हाथ से क्यों मेरे विरह दूर हो गए। बोले ललिता ये कौन है, बोले ये और कोई नहीं ये श्याम सुंदर ही, ये श्यामा सखी रूप धारण की। इतने में राधा रानी कहती है देखो तेरे को देख करके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर जो कपड़ा पहनता है महिला कपड़ा पहनी हुई हो थोड़ी से कपड़े को बदला दो, हम सब राजकुमारी देखो कितने बढ़िया बढ़िया, कृष्ण ने देखा मेरे सारे पोल खोल जाएगी अभी है क्योंकि वो पुरुष से स्त्री बने हुए। बोले भाई बोले नहीं हम तो यही पहने रहेंगे, बोले देखो ये लड़की को थोड़ी अंदर में थोड़ी लग गया है, यहाँ पर तो लड़का कोई है ही नहीं। इतने में जोर जबरदस्त जब कपड़े को खींच देते है ना, वहां श्याम सुंदर का रूप नहीं प्रकट हो जाता है। इसलिए वही स्थान है कि जो सरोवर देख रहे हैं, ये सरोवर का नाम मान सरोवर है। राधा रानी हमारे जो दान गली मान गली रासलीला से मान गली होते हुए राधा रानी यही पर आती है और यही पर कृष्ण विरह में रो रो करके ये जो सरोवर है संपूर्ण रूप में ये सरोवर बन जाती है। प्रश्न होता है भैया इतना क्या आंखों में आंसू था जो कि इतना बड़े सरोवर बन गया, बोले हाँ जब श्रीमन महाप्रभु जब कृष्ण राधा जी की भाव लेकर महाप्रभु रूप में आए, जब महाप्रभु कृष्ण कीर्तन में नृत्य करते थे आंखों से पिचकारी जैसे पानी निकलता था, वहां कीचड़ हो जाता था, आस पास के लोग भीग जाते थे। इसलिए राधा रानी तो ये भगवान की लाडली शक्ति स्वरूपिणी, ये राधा रानी कोई साधारण कोई लड़की नहीं, ये वैदिक सिंधु बात्सल्य सिंधु ये रसमूर्ति सिंधु सारे समुद्र इनके अंदर में, ये कोई असंभव नहीं। यही स्थान है जहाँ पर श्री कहते ना स्मर गरल खंडनम मम सिरसि मंडनम
देही पद बल्लभ मुदारक, जहाँ कवि जयदेव यही पर ही जब राधा रानी को मान नहीं छोड़ती है, श्याम सुंदर मौर्य मुकुट उतार कर रख देते हैं, अपना बंसुरी उतार कर रख देते, बोले हे राधे मेरी जितने बंसुरी का जो करामती तेरी चरण में, नृत्य का करामती तेरे चरण में, अभी तो तू मान छोड़ दो। इसलिए ये स्थान गुरुदेव कहते थे यहाँ का जितना वृक्ष देखोगे ना, सब पेड़ देखो ऊपर देखोगे, लेकिन अंदर में देखना ये वृक्ष वो ऐसे लेटी हुई है, ऐसे लेटी हुई है, और देखना जिसे राधा रानी मान करके क्या टेढ़ी हो जाती है ना, देखना वृक्ष भी ऐसे टेढ़ी मड़ी हुई है, ऐसे टेढ़े मड़ी हुई है। एक माधव महाराज बोल रहे थे ना, जब गुरु जी को साथ में आते थे इतने भक्त नहीं होते थे, बंगाली भक्त कुछ होते थे, हम वो कुंजों के अंदर में गुरु जी बैठते थे और बड़े भाव से गुरुदेव बड़ी कथा सुनाया करते थे, और गुरुदेव लाउड बोर्ड उठाते थे, बल्कि वृक्ष साधारण नहीं, कृष्ण समय का वृक्ष, इन्होंने कृष्ण लीला को दर्शन किया, वृक्षों से प्रार्थना करते थे, आप हम सबको ऊपर में कृपा करे, हमारा हृदय में भी राधा रानी का प्रेम का एक बूंद हमारे हृदय में ही प्रकट हो। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, प्रार्थना करें गुरु वैष्णव कृपा करे, कभी ये लीला रस में हमारे भी प्रवेश हो। पंचाकल कृपा सिंधु पावन।